दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने मात्र एक वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया यार, मात्र एक वीडियो से। आप लोग कैसे कर सकते हो वही सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, कहीं भी भगाना मत, वरना अगर आप लोगों ने स्किप किया भगाया ना तो आप लोग ऐसे भागते रह जाओगे और आप लोग कभी भी YouTube पे सफल नहीं हो पाओगे, समझ गए ना। मैं आज के वीडियो में ऐसा सब ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि पूरे YouTube पे किसी ने बताया नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा दूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैंने मात्र एक वीडियो में सब कुछ पूरा कर लिया। 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का फास्ट टाइम, मतलब कि यूट्यूब जितना बोलता है एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए वो सब कुछ मैंने क्राइटेरिया पूरा कर लिया मात्र एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट मैं अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको बगल में दिखाता हूँ। बस आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से समझना, सीखना, ठीक है ना, तभी आपका भला होगा, वरना आपका भला नहीं होगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, जैसे कि आप लोग बगल में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फटाफट मैं चलता हूँ सीधा अपने YT स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं पहले कह दे रहा हूँ हमारे पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम आपको यहाँ पर वेट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने मेरे चैनल पर 1033 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चलता हूँ उस वाले वीडियो पे जिस वीडियो ने मेरा जिंदगी ही बदल दिया, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सीधे यहाँ पर नीचे कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, इस पे जाता हूँ और इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा सारा वीडियो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा सॉर्ट बाय, SORT सॉर्ट बाय, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, मोस्ट रिकेंड इस पे क्लिक होगा, उसके नीचे लिखा हुआ है मोस्ट व्यूड, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज होगा वो सबसे ऊपर टॉप दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख लो, देखे 1,00,000 व्यूज देख लिए, इसी वीडियो ने मेरा तो जिंदगी चेंज कर दिया यार, सब कुछ पूरा कर दिया, समझ गया। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं ना तो आप यहां पर ये चीज देखो, यहां पर देखो क्या क्या यहां पर दिख रहा है, 10 वीडियो में मेरा ये वीडियो नंबर 1 पे चल रहा है, आप यहां पर देख पाए होंगे, और 1,00,000 व्यूज है वो तो शो कर रहे हैं। उसके बाद में इंप्रेशन क्लिक थाउट रेट पे देखो 6.6%, समझ गया। उसके बाद में एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखो 2 मिनट 43 सेकंड तक लोग इस वीडियो में रुके हुए हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो कि मेरे इस वीडियो का लेंथ है 6 मिनट 48 सेकंड, समझ गए। इतना छोटा वीडियो पे इतना देर तक लोग वॉच कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये वीडियो वायरल हुआ है, समझ गए। अब मैं इस पे क्लिक करके इसके अंदर चलता हूं, यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों जैसे मैं क्लिक करके अंदर आता हूं ना तो यहां पर तो यार मैं आपसे क्या बताऊं, मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया, इतना ज्यादा व्यूज आ गया। यहां पर देखो 1,05,898 इस टाइम व्यूज हैं। अगर बात की जाए वॉच टाइम की, इस वीडियो ने वॉच टाइम कितना दिया मुझे, तो बगल में जैसे स्क्रॉल करते हैं यहां पर देखो 4,800 घंटे इस वीडियो ने मेरा वॉच टाइम पूरा कर दिया। और इसके बगल जाता हूँ सब्सक्राइबर पे तो यहाँ पर देखो 737 सब्सक्राइबर भी इस वीडियो ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत होता है, ठीक है। अब मैं रीच की बात करता हूँ तो यहाँ पर रीच देखो 12.5 लाख से भी ज्यादा इसका इंप्रेशन जा चुका है, समझ गए, मतलब कि यूट्यूब ने मेरे इस वीडियो को 12.5 लाख लोगों के पास भेजा है, रिकमेंड किया है, समझ गए। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ ऑडियंस पे, ऑडियंस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर सबसे ज्यादा मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं 18 साल से लेकर के 24 साल तक लड़के मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 25 साल से लेकर के 34 साल तक, फिर 13 से
17 तक ऐसा है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरे लड़के सभी को देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, आप यहाँ पर देख मेल फीमेल में। और यहाँ मेरा वीडियो ना इंडिया पाकिस्तान और नेपाल में चल रहा है, यहाँ पर देख लो, समझ गए। और यहाँ पर नॉट सब्सक्राइबर ज्यादा है और सब्सक्राइबर कम लोग हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे इस वीडियो पर घंटे में कितने व्यूज आते हैं, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एनालिटिक्स पे, इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे 48 घंटे में मेरे चैनल पर व्यूज आ रहे हैं 3996, लमसम में 4000 साढ़े 4000 तक लोग मेरे इस वीडियो पे रहते हैं, मेरे चैनल पे लोग रहते हैं 48 घंटे के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक घंटे में कितना व्यूज आ रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा 60 मिनट, उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा व्यूज आपको यहाँ पर दिखा देगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा वाईटी स्टूडियो, ठीक है ना। बट आप थोड़ा सा वेट कर लो यार, क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है नहीं, जितना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इतना सारा व्यूज ला सकते हैं और सारे क्राइटेरिया को आप पूरा कर सकते हैं एक से दो वीडियो में, ठीक है। मैं बताऊंगा, बस आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने चैनल पर काम करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3999 लोग 48 घंटे में देख रहे हैं, बगल में लिखा हुआ है 60 मिनट, इस पर जैसे क्लिक करते हैं ना तो देख लो 108 व्यूज, जो कि मेरी इस वाले जिस पे 1 लाख व्यूज है उस पे मेरे 1 घंटे में 100 व्यूज आ रहा है, देखो यहाँ पर नीचे, ठीक है ना। और एक दूसरा वीडियो है जिस पे 8 व्यूज आया हुआ है, ठीक है, दोनों व्हाट्सएप से रिलेटेड है, समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बैक चलता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आखिर इतना व्यूज मेरे चैनल पे क्यों आया, कैसे आया, समझ गए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कॉन्टेंट पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट पे जैसे क्लिक करता हूं ना, तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय पे, और इस पे क्लिक करके जाएंगे हम सबसे नीचे ऑप्शन पे मोस्ट व्यूअर पे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सारा मेरा वीडियो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि मैं अपने चैनल पे जब सब व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो सबसे ज्यादा व्यूज आता है, यहाँ पर देख लो 1 लाख व्यूज है, उसके बाद में 21,000 व्यूज है, उसके बाद में 10,000 व्यूज है, उसके बाद में 3,600 है, फिर 460 है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ और भी जितने मैं अदर कंटेंट पे वीडियो को बनाता हूँ डालता हूँ उस पे व्यूज थोड़ा कम है, मतलब है 100-150 है बट कम है व्यूज, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरे इस चैनल पे ना व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने भी ऑडियंस हैं वही एक्टिव हैं, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे, हम इनका फायदा उठाएंगे यहाँ पर। अब हम व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम वीडियो बना के डाल देते हैं और अच्छा खासा रिस्पांस भी हमें मिलता है। तो ऐसे ही आपके कैटेगरी में देखो आप कि सबसे ज्यादा किस वीडियो पे व्यूज हैं, उससे भी आप वीडियो बनाना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है एक से दो वीडियो में आपका सारा कुछ पूरा हो जाएगा, आप काम करो अच्छे तरीके से, टैग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ और SEO थोड़ा अच्छे ढंग से करो, उसके बाद में आपका कोई ना कोई एक वीडियो 10-15 वीडियो आप लगातार डालो, उसमें कोई ना कोई एक वीडियो आपका अच्छा खासा व्यूज लेके चला आएगा और आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा, समझ गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसी कंटेंट पे हमेशा वीडियो डालना, ना ये मत करना। जब आपके पास ऑडियंस अच्छा खासा आ जाएगा ना तो आप धीरे धीरे आप कैटेगरी को चेंज कर देना, कॉन्टेंट को चेंज कर देना, ठीक है। लेकिन उसी कैटेगरी में जो वीडियो बनता होगा वही डालना, अदर नहीं कि जैसे मैं बनाता हूं टेक और बाद में चल के मैं इस पे ब्लॉग डालूं, बिल्कुल नहीं, ये काम मत करना, समझ गया ना। तो बस यही आप लोगों से बोलना था, जो कि मैंने आपको लाइव दिखाई भी दिया, समझा भी दिया कि आपको कैसे काम करना है, और ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर अब हमेशा ऐसे ही न्यू कॉन्टेंट लेकर के आता रहूंगा, ठीक है ना। बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, है ना। तो चलिए मिलता हूं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जैन वंदे मातरम।